हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास टेन कॉमर्स का है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन है 5.2 का, करा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां ए पी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सीरीज ए पी में हो, और प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन। देखिए ऐसे दिया है, क्रमांक, इसके बाद दिया है ए, इसके बाद दिया है डी, इसके बाद दिया है एन, उसके बाद दिया है एम। पहला है देखिएगा 7, 3, 8 या खाली है। दूसरा दिया है -18, ये खाली है, 10, ये आपका 0 है। ये जो खाली स्थान है उसी में मान को भरना है, क्या होगा? तो पहला देखिए, ए बराबर दिया आपका 7, डी बराबर दिया है 3, एन बराबर दिया है 8, एन पूछ रहा है। ठीक, इसी तरह आते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर ए का मान ए 8 है, देखिएगा एन का ए 8 हो जाएगा, ए का मान 7, धनिया का मान 8 माइनस 1 इंटू डी 3, ए 8 बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, 3 21, ए 8 बराबर हो जाएगा 21, 7 28। आठवां पद जो होगा आपका 28 होगा, यहाँ क्या बनेंगे 28। इसका दूसरा पार्ट देखिए, ए बराबर दिया -18, डी बराबर खाली है बताना है, एन बराबर आपका दिया 10, एन बराबर 0, चूंकि जाते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन कमान 0 बराबर ए कमान -18, धन एन कमान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान मान में करना है, लेफ्ट में आएगा 18 बराबर 9 डी, तो डी बराबर कितना जाएगा 18/2, 18/9, तो डी बराबर 2, यानी जो खाली स्थान है उसके आपका होगा 2 होगा। एक पहला क्वेश्चन हुआ, अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ जहाँ ये गलती ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया ए पी में 10, 7, 4 एंड सो ऑन का तीसरा पद ज्ञात करना है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सीरीज है, तीसरा पद ज्ञात करना है, तो ए बराबर 10 और डी बराबर 7 माइनस 10 बराबर -3। अब टी तीसरा बराबर, चूंकि जानते हैं टी यानी ए अनुमान बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 30 बराबर ए कमान 10 और धन एन कमान एन कमान 30 माइनस 1 इंटू डी कमान -3, ए 30 बराबर 10 माइनस
लिखेगा 29 गुणे 3, ये 30वां पद बराबर 10 माइनस 3 9 27, 3 में 6, 6 दूगा 87, या ए 30 बराबर कितना जाएगा माइनस 77, 30वां पद कितना होगा माइनस 77 होगा, यानी इसको 10 7 4 ऐसी तरह 30वां पद लिखेंगे कितना होगा माइनस 77 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। कर निम्नलिखित समांतर श्रेणी में किसानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट है इसका, देखिएगा 2 ये खाली दिया है 26। दूसरा पार्ट है आपका देखिएगा खाली 13 खाली 3, जो खाली है उसमें भरना है। इसी तरह जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो आप आसानी साफ कर सकते हैं। देखिए पहले ला रहा हूँ ये आपका 2 खाली स्थान 26। यहाँ देखिए ये पहला पद है ए बराबर 2, पहला दूसरा तीसरा टी 3 बराबर 26 है, और यहाँ टी 3 बराबर लिखा ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 26, बोलिए ए कमान 2 साधन 2 डी बराबर 26 राइट हो जाएगा, तो 2 डी बराबर 26 माइनस 2 तो 2 डी बराबर 24, डी बराबर 12। जब डी कमान 12 हो गया अगला पद देखिए क्या होगा, या दूसरा पद टी 2 बराबर का जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी का मतलब ए कमान 2 और डी कमान 12 दो 14। यहाँ पर कौन सा पद हो, यहाँ क्या भरेंगे हम 14, क्या भरेंगे 14। इसका दूसरा पार्ट देखिए, यदि यह खाली या पहला दूसरा तीसरा चौथा है, ये बराबर दिया खाली है और तीसरा पद दूसरा पद दिया 13, दूसरा पद 13 है तो और तीसरा पद खाली है चौथा पद टी 4 इसका कितना 3, तो टी 2 ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर 13 समीकरण 1, और ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3, ए प्लस 3 डी बराबर 3 समीकरण 2। एक में दो में से घटाइए, एक माइनस दो कीजिए ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 3 डी बराबर 3, घटाइए घटाएंगे तो माइनस 2 डी बराबर 10, तो डी बराबर माइनस 5, डी का मान हो गया। अब क्या करें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे देखिएगा ए प्लस डी, डी का मान माइनस 5 बराबर 13, ए बराबर राइट हो जाएगा 13 5 18 हो जाएगा, ए का मान आपका 18 डी का मान माइनस 5, और देखिए ए इसलिए यहाँ पे भरेंगे देखिएगा ए 18 हो जाएगा, और यह इसमें जोड़ेंगे ए 5 13 हो जाएगा, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 13 में माइनस 5 जोड़ेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 जो खाली है यही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 करा एपी, एपी कितना दिया 3 8 13
का कौन सा पद कितना यह होगा कि 78, उसका अंतिम यानी अंतिम पद देखिए 78 है, यानी यंग का मान कितना होगा कि यह 78 हो जाएगा। देखिए ए बराबर कितना दिया 3, बी बराबर 8 में से 8 में से 3 जाएगा 5, और लास्ट पद 78 दिया, चूंकि से जानते हैं एल बराबर ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी, एल का मान 78 बराबर ए का मान 3 धन एल माइनस वन इंटू डी का मान 5, यह आएगा तो 75 हो जाएगा, ये घटेगा तो 78 में से 3 या 75 होगा, एल माइनस वन इंटू 5 एल माइनस वन इंटू 75 में 5 भाग में 5 का मान 15 हो जाएगा, एल बराबर ए राइट हो जाएगा 15 धन 1 कितना जाएगा 16, यानी इसमें यंग जो पदों की संख्या होगी वो कितना होगा 16 पद होंगे, तब जाकर वह 78 होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यंग याद करना है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 31वां समांतर श्रेणी का 31वां पद टी 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद टी 11वां बराबर कितना, टी 11वां और 30वां टी और 30वां बराबर कितना दिया है, सो टी 11वां आपका 38 है और टी 16वां कितना दिया 73, यानी समांतर श्रेणी है वो, कोई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का 30वां पद याद करना है, जबकि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। ठीक है, अब ले लीजिए ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी बराबर 38, ए प्लस 10 डी बराबर 38, ये आपका ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी बराबर 73, ए प्लस 15 डी बराबर 73, या एक हुआ या दो, एक में दो घटाइए तो ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73, घटाएंगे तो माइनस 5 डी बराबर 5, 13 में से 8 जाए 5 और 6 में से 3 जाए 3, यानी डी माइनस होगा ना, डी बराबर कितना जाएगा 5 7 35, डी के मान 7 हो गया। अब क्या करें, सभी का एक से ये डी के मान को इसमें रखें तो ए प्लस 70 बराबर 35, ए बराबर राइट में आएगा 35 माइनस 70 या ए बराबर माइनस, देखिए 10 में से 8 जाए 2 और 6 में से 3 जाए 3 32, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, 31वां निकाला, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान माइनस 32 धन 30 और डी का मान 7 माइनस 32 और धन 7 की 210, अब 210 में 10 में से 2 जाए 8 और 10 में से 3 जाए 7 178, टी 31वां पद जो होगा 178 होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सेम आपका इस तरह का है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए उसी तरह का है लेकिन थोड़ा दूसरा टाइप का है।
क्वेश्चन नंबर 10 कर समांतर श्रेणी का 17वां पद टी 17वां पद उसके 10वें पद टी 10वां 10वें पद से 7 अधिक है से 7 अधिक है 17वां या 10वें पद से 7 अधिक है सर्वांतर ज्ञात कीजिए सर्वांतर क्या होगा चलिए इसका समांतर श्रेणी अनुवा पद लिख रहा है ये तीसरा निकाला तो ए प्लस 17-1 इंटू डी बराबर ए प्लस 10-1 इंटू डी 7 ए प्लस 17 में से 16 डी बराबर ए प्लस 10 में से 9 डी 7 ऐसे तो 16D बराबर 9D धन 7 ये लेफ्ट में आएगा 16D-9D बराबर 7 16 में सुना जा 7D बराबर 7D बराबर 7/7D बराबर 1 यानी वह समांतर श्रेणी जो होगा इसका आपका समांतर जो होगा कितना होगा 1 होगा ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 11 यही है देखिए क्या समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा 132 अधिक होगा तो 54वां पद धन 132 कर दिएगा उसके बाद निशान श्रेणी जिसे किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 13 है क्वेश्चन नंबर 13 कह 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी 3 अंक का होना चाहिए 3 अंक का है 3 अंक का होने वाला संख्या लिखना है जो 7 से विभाज्य है ठीक है विभाजित है विभाज्य है तो वो कितने पद होंगे 3 अंक वाले यान का मान पूछ रहा है और 3 का मतलब क्या हो जाएगा देखिएगा 101 से 7 से विभाजित नहीं होगा 102 ये भी नहीं होगा 103 ये भी नहीं होगा 104 7 एकम 7 3 4 ये भी नहीं होगा 105 7 कम 7 105 हो जाएगा और सीरीज लिख रहा हूँ 3 अंक का 7 से विभाज होने वाले संख्या लिख रहा हूँ यस सीरीज पहला हो जाएगा 105 दूसरा आपका 106 नहीं होगा 7 कम 107 भी नहीं होगा 108 भी नहीं होगा 109 7 कम 7 102 7/7 ये नहीं होगा 111 ये आपका 7/7 ये भी नहीं होगा 112 7/7 113 ये भी आपका नहीं होगा 113 7 से भाग देंगे तो 7/7 चार नहीं होगा और 114 7/7 चार 44 ये भी नहीं होगा 115 7/7 चार ये भी नहीं होगा 7/7 4 11 116 7/7 4 ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद 116 117 7/7 4 47 ये भी नहीं होगा 118 7/7 और आपका और 4 48 7/6 42 होगा ये भी नहीं होगा 119 7/7 4 भी नहीं 4 49 119 होगा 119 इसी तरह लिखते जाइए। अब दिन लिया ये हो जाएगा डी बन जाएगा। अब लास्ट से देखिए
तीन अंक का हो जाएगा 1000, हो जाएगा चार अंक का तो 999, 7 + 7 और यह आपका 297 भी नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा, 8 आ गया है, 8 कहीं लास्ट में है, 98, 997 ये भी नहीं होगा, 995 ये भी नहीं होगा, 994 ये हो जाएगा 994, 7 + 7 = 2, 9 + 7 = 28 और 994 होगा। देखिए सीरीज मिल गया, 7 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की जो संख्या होगी यही होगी इसी क्रम में, ए बराबर 105 और डी बराबर 119 माइनस 105 बराबर 14 हो जाएगा और लास्ट पद आपका दिया कितना 994। यन का मान बताना है, चूंकि यहाँ तक टी यन यल बराबर 1 + (n-1)×d, यल का मान 994 बराबर 1 = 105 धन यन मान में या -1×d का मान 14 लेफ्ट में आएगा तो 994 - 105 बराबर (n-1)×14 यह आपका हो जाएगा 14 में से 5 या 9 8 और यहाँ पर 9 में से 1 जाए 8 189। तो (n-1) बराबर 8 8 9/14 8 8 9/14 14 × 6 = 84 और 4 9 14 × 6 = 84 488 और 4 9 ये आपका कट गया, कहीं गलती हो गया क्या गलती हुआ यल बराबर आपका 994 और ए का मान 105 और डी का मान आपका डी का मान हो जाएगा सॉरी डी का मान 14। देखिएगा सीरीज ही गलत लिख दिए हैं, 112 या 12 7 होना चाहिए, 112 होगा कि कितना जाएगा 112 में से 105 जाए तो 7 जाएगा यान माइनस 1 बराबर भाग दीजिए 8 8 9 बटे कितना 7 तो 7 + 7 1 8 7 × 14 4 9 47 49 127 यान बराबर कितना जाएगा 128। यानी तीन अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य होगी कितना होगा 128 होगा, 128 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेम आपका ये 10 और 250 के बीच 10 और क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, 4 का गुणज तो क्या करेंगे, 4 ये आपका 4 का गुणज है ना, 4 + 4 = 16 लास्ट वाला कौन आपका कितना होगा 4 का गुणज है, हाँ 4 का गुणज है ठीक ना, लास्ट वाला 250 है तो 249
250 देखे चार तो उपला जाए कि नहीं, चार चार छः छः नहीं है, 250 249 ये भी नहीं होगा, 248 हो जाएगा, 248 भाग चले चार से करेगा हो जाएगा। ए का मान दिया 4 और डी का मान दिया 16 माइनस 4 बराबर 12 और एल का मान दिया 248। चूँकि जानते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल का मान 248 बराबर ए का मान 4 धन एन माइनस 1 इंटू डी लेफ्ट में आएगा, 248 माइनस 4 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, 248 में 4 है 244 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 12। ठीक है 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर 12 में 24 और 12 में 24 एन बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी 10 और 250 की 4 का जो गुणा होगा तो कितने होंगे 30 होंगे। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका पिछला क्वेश्चन आपका टाइप में है जो पिछला लगा है, देखिए जैसे तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5 है, से अधिक 12 अधिक है, किस टाइप का क्वेश्चन लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17वां, और आज सी दिया देखिए एपी का, और दिया 3, 8, 13 एंड 16 253, और अंत से बीसवां पद निकालना है, क्योंकि जानते हैं टी बीसवां और अंत से तो क्या होता है एल माइनस ए एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ देखिए एल आपका 253 है और माइनस एन 20 है माइनस 1 इंटू डी, 8 में से 3 जो 5, यानी 253 माइनस कितना होगा 19, 25, 95, घटाएंगे 13 में से 5 जाए 8 और 14 में से 9 जाए 5, 158 जाएगा अंत से, यानी इधर से बीसवां पद का 158 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, तीनों ही आर्थिक पर है, ए 18 18, 19, 20 ये आपका ही वापसी पर है, एक देख लीजिए कोई एक देखिए, एक लगा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एक इसमें से बीसवां, देखिएगा राम करीब किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करती है, 5 रुपया बचा रही है किसी प्रथम सप्ताह में, कोरा फिर अपने सप्ताह मासिक साप्ताहिक में 1.75 रुपया बढ़ा दी गई, यानी अब प्रत्येक सप्ताह में 1.75 रुपया बचत की, पहला सप्ताह को गया दूसरा सप्ताह का या 5 धन 1.75 श्री बना रहा, कोरा कि इसी तरह वह कितने सप्ताह बचाएगी, यानी यहाँ कितना सप्ताह बचत कर उसके पास 20.75 रुपया हो जाएगा। ठीक है देखिए 5 धन आपका 6.75 एंड सवान, ये कितना सप्ताह हो जाएगा या आपका 2.75, ए का मान दिया 5 और डी का मान कितना 6.75 माइनस 5 बराबर 1.75 और यार का मान कितना दिया है 20.75, तो चूंकि जानते हैं यार बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यार का मान
आपका मान हो गया है आपका 20.1675 बराबर ए, ए का मान दिया है 5 धन एम माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 1.75 लेफ्ट में आएगा तो 15.75 बराबर एम माइनस 1 इंटू डी 1.75 भाग दे दीजिए तो एन माइनस 1 इजकल टू 1575 भागा 175, एन बराबर 1575 भागा 175 धन 1। अब इसी को साल पर लेंगे तो वही जो है सप्ताह आ जाएगा, इतना आएगा आंसर हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट प्रश्नावली और इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।